ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ये जो डिस्कवरी की, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ऐसा बोला जाता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। लैब में ऐसे उन्होंने उठा के अपना एक मैग्नेट था, ऐसे गुस्से में फेंक दिया, और मैग्नेट गुस्से में फेंका एक कॉइल की तरफ, कहाँ फेंका, कॉइल की तरफ। क्या था हाथ में इनके, मैग्नेट। कहानी बता रहे हैं, सुनो पहले, ठीक है, कि कैसा कहा जाता है कि लैब में थे और ये सालों से कोशिश कर रहे थे, सालों से, और इन्होंने मैग्नेट लेके ऐसे फेंक दिया कॉइल की तरफ, कॉइल मतलब एक कंडक्टर की तरफ, ठीक है, कंडक्टर की तरफ ऐसे मैग्नेट फेंका और देखा कि वहां पे करंट आ गया कंडक्टर। ऐसा बोला जाता है ये चीज एक्सीडेंटल है। बच्चों मैंने पहले भी बोला है, ना ही न्यूटन सर के हेड पे एप्पल गिरा था, ना ही ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी, ठीक है। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंटल हो गया, अचानक से हो गया, भाई अचानक से उसी के साथ होता है जो लगातार उस पर कोशिश करता रहता है। आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए इस इंसान की, ये इंसान लोहार का बेटा है, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है माइकल फैराडे की। ये एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार के बेटे थे, गांव से निकले थे, है ना, मतलब बहुत ही छोटे इंसान थे, बस इन्होंने बुक बाइंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। बुक को जोड़ा जाता है ना, बाइंड करते हैं ना बुक को, फटी बुक को, वो काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतने गरीब थे, ये बुक की बाइंडिंग कर रहे थे, लोहार के बेटे थे ये। अब बुक की बाइंडिंग करते करते बुक से इनको प्यार हो गया। जब उनको बुक से प्यार हो गया तो उस टाइम का एक बहुत ही फेमस केमिस्ट था डेवी करके, बहुत फेमस केमिस्ट। ये कहानी चल रही है 1790s की, 1790 की कहानी है ये सब, ठीक है। ये डिस्कवरी इन्होंने 1830 के आसपास की है, बहुत पुरानी डिस्कवरी। तो इन्होंने बुक का इनको शौक हो गया, ठीक है, बुक बाइंड करते थे, इन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और इन्होंने अपना करीब 250-300 पेज का एक पूरा आर्टिकल लिखा इसी चीज पे, इसी चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में लिखा था, क्योंकि जो हमारे डेवी साइंटिस्ट थे वो केमिस्ट थे, तो इसके बारे में भी लिखा था। और बेसिकली केमिस्ट्री के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए पूरा केमिस्ट्री पे इन्होंने, भाई ये पहले केमिस्ट थे, इनकी कहानी भी अलग है, केमिस्ट्री से फिजिक्स में स्विच की है ऐसा कोई है, अगर आप जानते हो तो बताना, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा डेवी को एक लंबा सा पूरा 300-250 पेज का रिज्यूम में लिखा कि भाई ये देखिए हमने ये सच किया। तो उन्होंने इनको बुला लिया और इनको बुला के अपना असिस्टेंट बना लिया। डेवी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रॉयल सोसाइटी में थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बहुत बड़ी चीज थी, रॉयल नाम ही सुन लो रॉयल, उसमें सबको एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी में इनको बुला लिया गया। अब ऐसी बात है, लोहार का बेटा रॉयल सोसाइटी पहुंच गया, बहुत बड़ी बात थी। तो वहां पे जाके इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत रिसर्च की, ठीक है। इनके नाम से कॉन्स्टेंट भी था, वन फराडे इज इक्वल्स। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई डिस्कवरी है कि सब ना, ये सब नूब्स लोग, तुम्हारी लैंग्वेज में तुम लोग नूब्स बोलते हो ना, नूब्स लोग ये सब चीजें बोलते हैं जिनको पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं होता। अरे एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया था। अरे भैया न्यूटन उसके पहले कितने सालों से उसी काम पे लगा था। आप ग्रेविटेशन की पूरी रिसर्च देखो, पीछे 300 साल पुरानी रिसर्च चल रही थी तब पता चला था ये। 96500 कूलम्ब, वन फराडे इन्हीं के नाम का कॉन्स्टेंट। तो ये इंसान फेमस होते गए, ठीक है। इनको एक लैब दे दी गई है ना, देवी ने इनको एक पूरी एक लैब दे दी कि अपनी लैब लो, तुम भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो एक इंसान ऐसा है जो लोहार का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, इसके नाम से कॉन्स्टेंट हो गया। फिर ये आए अपने असली प्यार की तरफ, जो कि क्या है, मैग्नेटिज्म। ऐसी कहानियां हैं कि इनके जेब में हमेशा एक रिंग थी, जिस रिंग पे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लिपटे हुए थे। ये स्टोरीज हैं। अब इसके बारे में कैसे 1790-1800 की कहानियां कैसी जेन्युइन हो सकती हैं, कि इनके पास क्वाइल था और क्वाइल के दोनों तरफ रिंग्स लिपटी हुई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब आ इसी तरफ रहते। खैर इस बीच इन्होंने एक और चीज के ऊपर रिसर्च की, कहां पे, कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जुड़ी हुई चीज है, अलग अलग निकल। फिर इनके नाम से एक और यूनिट पड़ गई जो तुमने इस साल पढ़ी, कौन सी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब यहां बच्चों को इंटरेस्ट है, शादी हुई कि नहीं इनकी, अरे मर जाओ तुम लोग, आ गए, इनकी शादी हुई कि नहीं, गर्लफ्रेंड थी कि नहीं इनकी, फैराड है ना, वन फैराड पढ़ा था हम लोग ने, फैराड किसकी यूनिट, कैपेसिटर की, इन्हीं के नाम पे एक और यूनिट पढ़ी। फिर इन्होंने क्या कहा कि यार अब केमिस्ट्री बंद करते हैं, तो इन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी। आप देखते हो यहाँ क्या चलन हो रखा है इस टाइम सोसाइटी में, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इंसान पागल हो जाए कि सरकारी जॉब, भाई सरकारी जॉब है बढ़िया, कैसे छोड़, इन्होंने सरकारी जॉब छोड़ दी। अब इनके पापा ने कितना ही डांटा होगा इनको, इन्होंने सरकारी जॉब क्विट कर दी, लैब भी क्विट कर दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए मैग्नेटिज्म के ऊपर। 13 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये ब्रेक थ्रू लाया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये इनकी फाइनल रिपोर्ट थी। अभी कोई करंट इस तरह से बनाने का सोचा ही नहीं, ये उस जमाने की बात है जब करंट बैटरी से बनाया जाता था, केमिकल एनर्जी से, ये इन्होंने मैकेनिकल एनर्जी से करंट बना दिया। बहुत बड़ी रिसर्च, कैसे किया वो देखते हैं। कहा जाता है कि भाई ये एक्सीडेंट है, बोलो ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये एक्सीडेंट होगा,